सदस्यों को सब मिलने जुलने वाले जितने भी प्रेम करने वाले हैं सभी के मन को एक दुख तो अवश्य होता है, क्योंकि डाली से यदि पत्ते को तोड़ा जाए तो वहां से भी पानी निकलने लग जाता है। और ये तो एक परिवार से जीव जब जाता है तो कितना दुख होता है। आओ वंदे पुष्पूनापदिनी वंदे शूलशशांकं
चिरानंद भगवान की जय। आज हम सब लोग राम भवन में श्री कदम चंद्र जी के अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हो गए हैं। करमचंद्र जी के जीवन के विषय में क्या कहा जाए, उनकी विवृत्ति मान धार्मिक थी। पिछले 25 वर्षों से मेरा संबंध लगातार रहा है, निरंतर प्रत्येक दोषी को मंदिर में आकर पंजाब से किया करते थे। परोपकार के लिए बना है, जहां तक हो सके इस शरीर से परोपकार करो। हमेशा मन में भावना रखो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, न जाने कब क्षण में वहां चला जाए। क्या भरोसा है, मैं चरण छाने आपसे ओम शांति शांति शांति। प्रभु तुझको सभा में आए हुए सभी भाइयों बहनों, गोयल परिवार की ओर से हमारे भाभी श्री अंजू गोयल जी, हमारे भाई अनंत जी, अमित जी और भाभी शिवानी जी और प्रियंका जी की ओर से एवं समस्त गोयल परिवार की ओर से यहाँ पे आपके आने का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि इस दुख की घड़ी में आपके आने से हमें जो सफल और धैर्य मिला, उसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे और आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। और जहां जहां आपके नाम की ध्वनि लगेगी मैं सुना करूंगा, ये बिल्कुल सत्य बात है। और आज तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है हनुमान जी, वो सामने तो ये राम भवन है, वो सुन रहे हैं। कोई भी वाणी ऐसी ना रहे कि जो कंजूसी करे, दिल से गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम महाराज की जय। ओम पवित्र या सर्वे उपते वाक्षम सभयांतरा सुचे ओम केशाय नमः महाराय नारायण नमो नमः वस्तु प्रचार
स्वस्ति नेन्द्रो वृद्धाश्रवः स्वस्ति नाको कामेश्वरः स्वस्ति ऋषदेवी स्वस्तिनो बृहस्पति ददातु पयापृथिव्यां पयोपदेशो द्रव्यन्तरिक्षे पयोनः पयसुति पृक्षा शरतमयम् विष्णोरावतपशुविष्णो सरस्तो विष्णवे धुमसि विष्णवे त्वाम् ॐ अग्निर्देवता भातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता पशवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता बृहस्पति देवेन्द्रो देवता ॐ धौ शान्तिरक्षा शान्तिपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदया शांति बृहस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति क्षमा शांति रेधि ओम विश्ववान देव श्रुतानि पराशु यदवतम तन्नासु तैतन्ते देव शत्र बृहस्पते ब्राह्मणे तेर यज्ञो तेर विपति तेर मानवा मनो ज्योतिषि कदा राजसि बृहस्तिम यज्ञम पुरुषम सम्मं दधातु ऐश्वर्य प्रतिष्ठानां यज्ञो यत्तेन सर्वयो प्रतिष्ठां भवत् ॐ गणानन्ता गणपतिगङ्गवामहे प्राणान्ता तिलपतिगङ्गवामहे निधीनान्ता निधिपतिगङ्गवामहे विशो ममाहं जाने गणपं त्वमसि जासि गणपं ॐ गजाननं भोजनादिसेवितं कपृत्यजम्बो फलचारो भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं दन्तश्री कपिलो कृत्वा लम्बोदरशिवृत्तौ पुण्यनाशो विनायक द्वादशे तान्नामानि आप्रदेशाय जायते वक्रतुण्डमाकाय सूर्यकोटिशाम्प्रव आर्द्रं पूर्वेदेव सर्वकालेषु सर्वदा श्रीमन्माकराधिपते आवाहनं पूजनं मा कैसे स्वस्थानम प्रति ही कहता ओम पयापथ व्यम पय औषधीशो जपंतरिक्ष पयोदा पयसुति पृषा संतमयम वस्त्रम वस्त्र वस्त्रम वस्त्रम सर्प वस्त्रम सर्पम तिलकंचम प्रोक्षम गंधम सर्पम अक्षतम सर्पम नैवेद्यम नैवेद्यम रूपम दीपम दृश्य नमस्कारम कुरु ओम गजाननम भोजनादिसेवितम कपितजम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम श्री मन्मा गणाधिपते भोजनम मह करिष्ये माता पिता ओम गुरुर्मा गुरुषु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्यापनं चराचरं तत्पदं दृश्यं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः ओम श्री माता पिता गुरु चरण कमले गुरु गंधम समर्पयामि अक्षतम स्वर्प्याम नैवेद्यम नैवेद्यम धूपम दीपम दर्शयामि नमस्कारम कुरु ॐ गुरुर्मा गुरुषु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्यापनं चराचरं तत्पदं दर्शयन् तेन तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ श्री माता पिता गुरु चरण कमले गुरु नमः पूज्यं महाकविषे ॐ शांताकारं वज्रक्षयनं पद्मनाभं सुरेशो विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमंगलं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विज्ञानगर्भं वंदे विष्णुं भवभयहरिणं सर्वलोकैकनाथं शुक्लं वर्त्रं शशिवर्णं चतुरं प्रसन्नभद्रं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ श्री लक्ष्मीनाथं नमो नमः ॐ पयापृथिव्यां पयोपनिषो दत्तन्तरिक्षे पयोदः पयसुति पृषा शन्तमयं वस्त्रं शौर्यम् Thank you.
अक्षतम स्वर्गम पुष्पम स्वर्गम नैवेद्यम नैवेद्यम धूपम दीपम दर्शयामि नमस्कारम करो ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनचुंबकं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिज्ञानवर्धनं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शुक्लाम्बरं शशिवरं चतुर्भुजं सशरद्भद्रं ध्यायेत् शरण्योपाशान्तये ओम श्री लक्ष्मीनाभ्यां नमो नमः ओम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपो याद्यां ज्ञान पसंद सिद्धा स्वशांतस्तिनीशं याद्यंगो दृष्टा देवा पकामस्तके बाले बाले यशोर सर्वा सर्वगता शिवा सस्नवी श्री शंकरा पात्मा ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः पूजा मा करिसे गंधम स्वर्गम चापूना अक्षतम स्वर्गम पुष्पम स्वर्गम लोकम दीपम दर्शयाम नमस्कार कुरु ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुजगेन्द्रारम सदा संतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितम नमः ओम प्रेम कमजामे सुगंधिं पुष्टे वर्धनम उर्वारुकमिव भद्रात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः ओम श्री सीताराम चंद्राय सपरिवाराय नमो नमः ओम नीलाम बजक्षाम अल्पोबलागम सीताश्वारो पितुवामोभागम पाणौ महासायकचारु चापम नमामि रामं अजामहं सनातनम् ओम श्री सीताराम चंद्राय सपरिवाराय नमो नमः पूजनम करिसे कैशपि प्रसादसंतमयं हस्तं स्वर्गं अक्षतं स्वर्गं पुष्पं स्वर्गं नैवेद्यं नैवेद्यं धूपं दीपं दर्शयामि नमस्कारं कुरु ओम आबदाम प्रहरदातारं दातारं सर्वसंपदां लोकाविनाम श्रीयामं भूयो भूयो नमाम्यहं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताये ते नमः ओम श्री सीताराम चंद्राय सपरिवाराय नमो नमः ओम ब्रह्माविराजे भानो शशे भूमिसुतो बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु ओम श्री सूर्याय नमः सोमाय नमः भवाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतिये नमः शुक्राय नमः सरस्वत्याय नमः राहवे नमः केतवाय नमः सदर्गोदय नमो नमः ओम शांति शांति सुशांति भवतु ओम प्रयापृथिव्यां प्रयोपनीषोद्यपिन्तरिक्षत्रयोदः कैष्टि प्रसादसंतोयं वस्त्रं स्वर्गवस्त्रं स्वर्गं सर्वतं त्वचं गन्धं स्वर्गम् अक्षतं स्वर्गं नैवेद्यं नैवेद्यं रूपं दीपं दर्शयामि नमस्कारं कुरु ओं ब्रह्मावरारीतप्रान्तकारी बाणो शशि भूमिसुतो बुधगुरु शुक्राशनिराहुकेतव सर्वे ग्रह शान्ति करा भवन्तु ओं श्री सूर्याय नमः सोमाय नमः भवाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतिये नमः शुक्राय नमः शनिश्चराय नमः रविवे नमः केतवाय नमः सर्वज्योतिर्गो नमो नमः ओम शांति 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 ओम अशतगेशम सातकजलम चंद्रपात्रे शुक्रवर शाखा लेखनी पत्रोवि लिखतेन क्रेत्वा शाखा सर्वकालम प्रदत्तो गुणानामीश पारम्या ओम श्री करुणा पुस्तक भोजनम मरकरिषे स्वस्थानम प्रति क्रेतम कृष्णानम स्वर्गम पादम मर्गम आत्मनियम स्वर्गम वस्त्रम वस्त्रो वस्त्रम वस्त्रम स्वर्गम तिलकंतम प्रोक्षम गंधम स्वर्गम अक्षतम स्वर्गम पुष्पम स्वर्गम नैवेद्यम नैवेद्यम धूपम दीपम दर्शयामि नमस्कारम कुरु ओम अशत गणेशम सात कटलम सिंधु पात्रे
Just a thought to me.
सर्वं मम देव देव जय 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 शिव शंकर जय करता तेरी लीला अपरंपार पूजा की थाली।
सब तेरी शरण में आए, सर्वोपरि शक्तिशाली शिव जी तेरी सभी निराले ले आए पूजा की ताले। जय शिव शंकर जय करता तेरी Yeah.
इस मार्ग पर चलना पड़ता है जब मृत्यु के बाद, तो उस वक्त रास्ते में ये पूछा जाता है कि तूने कोई पुण्य कर्म किया है तो चल तुझे हम विमान पर बिठा लेंगे, तुझे सिंहासन पर बिठा कर ले चलते हैं। जो तो पापी मनुष्य है जिन्होंने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, उनको तो उस वक्त रोना पड़ता है, लेकिन जिन्होंने प्रभु की शरण जीते जी ली है, इन हाथों से धर्म का कार्य किया है, जीवा से प्रभु का नाम वर्णन किया है, आंखों से संतों के दर्शन किए हैं, उस वक्त यमदूतों से वो नहीं डरते और उनको यही कहते हैं, मुझे डरने की क्या बात है, सांवरा जब मेरे साथ है। छाई काली खटाए तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हूं मैं, क्या बात है।
पूज्य पंडित जी महाराज, हमारी पूज्य माताएं बहने, भाई बंधु, आज हम सब परमपिता परमात्मा के चरणों में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमारे परम आदरणीय श्री करमचंद गोयल जी अपनी जीवन यात्रा इस संसार से पूर्ण करके अब प्रभु की शरण की तरफ अग्रसर हैं और उनकी आत्मा परम पिता परमात्मा के चरणों में जाकर के जुड़ जाए, ऐसी प्रार्थना हम करने के लिए यहां उपस्थित हैं। पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि और भगवान के लिए जो भजन प्रार्थना रूपी शब्द में गा रहा हूं, ये सब प्रभु की शरण में हम अर्पण करके अपने सच्चे हृदय से उस महान आत्मा की सदगति, आत्मा की शांति की प्रार्थना करने के लिए आज इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। और ये स्थान भी श्री राम जी की शरण है, श्री राम भवन। ये जिंदगी परमात्मा हमें हमारे बहुत जन्मों के पुण्य कर्म जब इकट्ठे होते हैं तब हमें प्रदान करते हैं। जिस वक्त हम 84 लाख योनियों में होते हैं, बहुत दुख उठाते हैं, भगवान बड़े ही दयालु हैं, उन्हें जब दया आ जाती है तो सब योनियों से छुड़ा करके एक मनुष्य का जन्म हमें प्रदान करते हैं। जन्म लेकर इस संसार में बालपन व्यतीत होता है, किशोर अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, अपने अपने शुभ कर्म और अशुभ कर्म जो हमारे से होते हैं उनको भोग करके इस यात्रा को फिर समाप्त करके प्रभु चरणों में हम पहुंचते हैं। लेकिन जिंदगी को कोई कोई समझ पाता है? जिंदगी को समझने का सबका अपना अपना नजरिया है। आप किसी से पूछेंगे कि जिंदगी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो कर पाना है इस जीवन का मतलब तो आना और जाना है। जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी। और किसी से पूछेंगे तो यही कहेगा, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी और मेरी कहानी है। एक बार एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी वास्तव में जिंदगी क्या है, इसका मूल्य क्या है। गुरुजी ने एक कि इसकी कीमत क्या है, वो शिष्य उस टुकड़े को लेकर के सबसे पहले एक ठेली पर जाता है जहां फल बेचने वाला खड़ा है। कहने लगा, भैया इसकी कीमत क्या है?
वो फल वाला कहने लगा भाई ये मुझे दे दे, मैं तुझे एक संतरा दे देता हूँ। कहने लगा बस इसकी कीमत एक संतरे जैसी है। कहने लगा पर मैंने देना नहीं है, मेरे गुरु जी ने पूछा। फिर अगली दुखी से पूछते पूछते आखिर एक जौहरी के पास चला गया। उस जौहरी से कहने लगा भैया इसकी कीमत क्या है। अब जौहरी को तो उसकी पहचान थी। कहने लगा इसकी तो कीमत करोड़ों रुपए है, देना है तुम्हें। कहने लगा नहीं बस मुझे कीमत पता करनी थी, मुझे तो गुरुजी ने भेजा है। आखिर वापिस वो अपने गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी से कहने लगा गुरुजी एक फल वाले ने कहा कि संतरा ले ले मैं तुझे इसकी कीमत दे देता हूं। एक मिठाई वाले ने कहा थोड़ी सी मिठाई ले जाओ, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि इसकी कीमत तो करोड़ों रुपए है। कहने लगे बस बेटा मैंने तुम्हें यही समझाना था कि जैसा जैसा जिसका नजरिया होता है वैसी वैसी ही इस जिंदगी की वो कीमत लगाता है। कई तो सोचते हैं कि ये जीवन खाने और पीने के लिए मिला है और सोने के लिए मिला है, खाओ पियो ऐश करो, आखिर मर तो एक दिन जाना ही है। लेकिन संत क्या सोचते हैं के बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मिलता है और देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा ग्रंथ गाते हैं। लेकिन हम रात गवाई सोएंगे, हम इस जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। दिवस गवाया खाए हीरा जन्म अनमोल था पर कौड़ी बदले जाए। सुबह होती है शाम होती है और ये जिंदगी बस यूं ही तमाम होती है। जीवन मिला तेजी दुनिया को जलाया मर के आप जला पूछो भजन शरण कीजिए। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंतिया तो सब है चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं कुछ तो आकर चले गए कुछ
उसका न्याय ही कुछ ऐसा है। परमात्मा की चक्की चलती बहुत धीमी है लेकिन पीसती बहुत ब्रेक है। एक व्यक्ति को यमदूत लेने आ गए, कहने लगे भैया पूरे 12 बजे तुझे इस संसार से चलना है हमारे साथ, और एक लिस्ट निकाली, उस लिस्ट में दिखाया कि ये सबसे पहला नाम मेरा है, तुझे 12 बजे चलना है। अब वो थोड़ी चतुराई करने लगा, आओ जी बैठो जी बैठो जी, आपको कुछ सेवा करें कुछ खिलाए पिलाए। यमदूत बैठे, अब उसने जो चाय पिलाई उसमें कुछ नशे की चीज डाल दी, कुछ हो गए, कह लेंगे चलो ये तो सो गए। अब जो लिस्ट है ना उसमें से ऊपर से अपना नाम हटा देता और सबसे नीचे लिख देता। जब उसका असर खत्म हुआ तो उठे और कहने लगे भैया आज तुमने हमारी बहुत सेवा की है। उसके आगे एक चले काला बनो होशिया, कुछ तो आकर चले गए कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर की सी, ये दुनिया नहीं जागीर की सी। राजा हो या रंकिया तो सब है चौकीदार, कुछ तो एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर, लेकिन हमारे श्री करमचंद जी गोयल जी इनका जीवन, इन्होंने इस संसार में आकर अपने जीवन को बड़े स्वच्छता से प्रभु सेवा में, संतों की सेवा में, समाज की सेवा में, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़े हैं जाए आओ, है तो ये सब परमात्मा की रचना, और इसके विषय में हम सब तो क्या, गुरु वशिष्ठ जी भी यही कहते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहूं मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हार। ये तो उस विधि के सब रचाई हुई रचना है, लेकिन परिवार से जब कोई चला जाता है तो परिवार के सभी सदस्यों को, सब मिलने जुलने वाले जितने भी प्रेम करने वाले हैं सभी के मन को एक दुख तो अवश्य होता है, क्योंकि डाली से यदि पत्ते को तोड़ा जाए तो वहां से भी पानी निकलने लग जाता है, और ये तो एक परिवार से जीव जब जाता है तो कितना दुख होता है। आओ रटे जाओ मन से सुबह यश श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। आप सभी की वाणी ने श्री राम जय जय राम ये जपा है,
और एक व्यक्ति यदि एक माला जपे तो 108 बार कहे तब एक माला बनती है और आपसी माला बन गई। इनका पुण्य फल हम आदरणीय श्री करमचंद गोयल जी को समर्पित करते हैं। परमपिता परमात्मा उनको अपनी शरण में ले। आइए यही पर वाणी को विराम देता हूँ। अब आगे हमारे बीच में उपस्थित श्री गुरु महाराज जी वंदे नगभूषण वंदे सूना भजन वंदे सुशांत भजन वंदे मुकुंदम वंदे भक्तनाम वंदे चिदानंद भगवान की जय। आज हम सब लोग राम भवन में श्री कदम कंद जी के अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हो गए हैं। परमचंद्र जी के जीवन के विषय में क्या कहा जाए, उनकी वृत्ति मान धार्मिक थी, इसलिए 25 वर्षों से मेरा संबंध लगातार रहा है। निरंतर प्रत्येक दोषी को मंदिर में आकर पंजाब से किया करते थे। अंतिम एक महीने से नहीं आए, बस लाचार हो गए। फिर उन्होंने कहा अंग्रेज जी को मिले चलो, डॉक्टर ने मना किया था कि नहीं आ पाए। उन्होंने अंग्रेज जी के द्वारा अवश्य कराने के लिए समाज सेवा में कहीं कोई काम हो हम उसका आगे आकर सहयोग दिया करते थे। डिस्पेंसरी खोली, कितने गरीबों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो रहा है, ये भी सेवा है। ऐसे सेवा भाव वाले व्यक्ति उनके विषय में और क्या कहूँ। पंडित जी ने बहुत कुछ सुनाया, जब भी स्वामी विवेकानंद बैठते थे धार्मिक चर्चा होती थी, न तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री के अंदर बालाजी का मंदिर बनवाया, हनुमान जी की मूर्ति लगाई, शुभ कार्य अपने आप से कर गए। ऐसे भक्तों का होना समाज में, समाज को छोड़कर चले जाना अपूर्णीय है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, विष्णु महाराज भोलेनाथ परिवार को, उनके पुत्रों को और सभी व्यक्तियों को जो उससे संबंधित थे इस दुख को सहन करने में शक्ति प्रदान करें। जीवन का क्या भरोसा, चुप जाएगा जो तारा परिवार, खबर नहीं खड़ी है कि नहीं पल भर की आग, ना जाने जीव का भोर का होगा, पता नहीं किसी को। अभी यहाँ बैठा है कंडीशन क्या है, ये जब तक जीवन है जब तक शरीर है सबसे नेक काम क्या है, सबसे नेक काम है पर सेवा परम धर्म है। सेवा से बड़ा और कोई धर्म नहीं है, इसलिए हमेशा मन में भाव रखो कि प्रत्येक प्राणी सुखी रहे, सर्वे बंधु सुखी ना, सर्वे संबंध ना, कभी किसी को कोई प्रश्न ना हो, सुखी करने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव का जो स्वरूप है कल्याण में है, फलंत रक्षा पृथ्वी फल देते हैं, सुन खाते मुझे भी देता है, परोपकार है बहन दी नदा, नदियां भी बहती हैं दूसरों को जल प्रदान करती हैं,
परोपकार है जो यज्ञ का है। गाय दूध देती है पर भी परोपकार के लिए बना है जहां तक हो सके इस शरीर से परोपकार करो। हमेशा मन में भावना रखो सब सुखी हो सबका कल्याण होगी जीवन का क्या भरोसा न जाने कब क्षण में वहां चला जाए क्या भरोसा है जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का क्या भरोसा श्वास रुक जाएगी चलते चलते जाएगी चलते चलते पता नहीं इसलिए हमेशा अपने श्वासों में श्वास श्वास में प्रभु नाम स्मरण नाम सुनने से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। श्वास श्वास में राम भजन मिलता श्वास न होए ना जाने श्वास का फिर आवर होए ना होए अपने श्वासों को खाली मत जाने ये नर्तन मिला है इसलिए मिला है हम अपने जीवन सुधारें अपने परलोक को सुधारें संसार में प्रेम की भावना बाहे सबसे प्रेम करो किसी के प्रति घृणा अवहेलना की भावना ना करो छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कोई भी हो कोई सभी प्राणी मात्र राम का स्वरूप है श्री राम में सब जग जानी क्योंकि मनुष्य जो प्रेम करता है किससे करता है शरीर से करता है अरे शरीर तो उचेतन के निकल जाने के पश्चात भी आपके सामने पड़ा रहता है या फिर कोई व्यक्ति उस शरीर से प्रेम करता है क्या उसे अपने गले लगाने को तैयार होता है नहीं करता बल्कि ये सोचता है जल्द से जल्दी इस शरीर को ले जाओ अग्नि के हवाले करता कहां गया वो आपका प्रेम तन से प्रेम कोई नहीं करता प्रेम करता है तो तन में रहने वाले विभू से उस परमात्मा से उस चेतन से उस राम से प्रणाम प्राणी में रमण कर रहा है बोल रहा है चल रहा है खा रहा है पी रहा है संसार के समस्त कार्यों कर रहा है वो तो राम है उसके रहते हम तन से प्रेम करते हैं उसके ना रहते तन से प्रेम को नहीं करते हमारा सच्चा संबंध किससे है शरीर से है क्या ना शरीर में रहने वाले उस आत्मा से परमात्मा से देखो से राम से उस राम को सत्य समझो सत्य वही है एक उसको फिर जीवन का आधार मान सारे जीवन का आधार नहीं मानते लोग सत्य नहीं कहते अंतिम यात्रा के अंदर सबको दूषण करना है राम नाम सत्य है सत्य है सब नाम जीवन के अंदर राम वर्षण करो राम का भजन करो राम की भक्ति करो और प्रत्येक प्राणियों में उस राम को जानो और प्रत्येक प्राणी से प्रेम करो सबसे प्यार करो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं सभी उसके परिवार के सदस्यों को शक्ति प्रदान करें ज्ञान को चयन करें और दिवंगत आत्मा को हमारे बड़े भाई
श्री करमचंद जी गोयल जी की अंतिम प्रार्थना सभा में आए हुए सभी भाइयों बहनों, गोयल परिवार की ओर से हमारे भाभी श्री अंजू गोयल जी, हमारे भाई अनंत जी, अमित जी और भाभी शिवानी जी और प्रियंका जी की ओर से एवं समस्त गोयल परिवार की ओर से यहाँ पे आपके आने का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि इस दुख की घड़ी में आपके आने से हमें जो सफल और धैर्य मिला उसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। और गोयल परिवार की ओर से कुछ संस्थाओं को कुछ दान राशि निकाली गई है, जो जो उनके यहाँ पे सदस्य होंगे कृपया जाते हुए ले जाएं। महंत प्रभातपुरी चैरिटेबल डिस्पेंसरी, महंत प्रभातपुरी हॉस्पिटल, गुरुद्वारा छठी पातशाही, कृष्णा मंदिर, राम मंदिर, कुष्ट आश्रम और गुरुद्वारा गांव जलालपुर। हमारे पूज्य बड़े भाई करमचंद जी के लिए बहुत सी संस्थाओं ने शोक पत्र भेजे हैं, मैं कृपया उनके नाम नहीं लूंगा। स्टाफ एंड मैनेजमेंट महंत प्रभातपुरी चैरिटेबल डिस्पेंसरी, एक गुरु भक्त मंडल, मानस वेलफेयर ट्रस्ट मंडी बिनगढ़, प्रभातपुरी चैरिटेबल हॉस्पिटल, ऑल इंडिया स्टील रोलर्स री रोलर्स एसोसिएशन, स्मॉल स्केल री रोलर्स एसोसिएशन, आयसरा इंडस्ट्रियल क्लब लिमिटेड, गोल्डन ग्रेन क्लब, पंडित रमेश चंद्र विशिष्ट सर्वहितकारी विद्या मंदिर खन्ना, एसएस जैन सभा, लॉयंस क्लब मंडी गोविंदगढ़, सतगुरुदेव महंत प्रभातपुरी वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड, श्री कृष्णा गौशाला रजिस्टर्ड, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321F, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन अनंत स्वामी, परोपकार सेवा समिति, गोविंदगढ़ स्टील चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मानस प्रचार मंडल, इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी मंडी गोविंदगढ़, मंदिर श्री स्थानेश्वर महादेव कुरुक्षेत्र, प्रबंधक श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, महंत प्रभातपुरी वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय कुरुक्षेत्र, श्री स्थानु सेवा मंडल कुरुक्षेत्र, महंत प्रभातपुरी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट कुरुक्षेत्र, लॉयंस क्लब मंडी गोविंदगढ़ सुप्रीम, खत्री सभा रजिस्टर्ड मंडी गोविंदगढ़, श्री हरि कथा समिति मंडी गोविंदगढ़, श्री महावर वैश्य सेवा संघ मंडी गोविंदगढ़, श्री कृष्णा मंदिर प्रबंधक सभा मंडी गोविंदगढ़, श्री महावर वैश्य धर्मार्थ ट्रस्ट लक्ष्मी नारायण मंदिर मंडी गोविंदगढ़, युवा अग्रवाल सभा मंडी गोविंदगढ़, श्री राम शरणम मंडी गोविंदगढ़, विश्व हिंदू परिषद मंडी गोविंदगढ़, मानस मध्य विद्यालय मंडी गोविंदगढ़, श्री नैना देवी सेवा समिति रजिस्टर्ड मंडी गोविंदगढ़, म्यूनिसिपल काउंसिल मंडी गोविंदगढ़ प्रेसिडेंट श्रीमती पूनम जिंदल, लुधियाना आयरन स्टील ट्रेडर्स एसोसिएशन, श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड, श्री सनातन धर्म शिव मंदिर मंडी गोविंदगढ़, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योग समिति मंडी गोविंदगढ़, अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड मंडी गोविंदगढ़, श्री श्याम परिवार मंडी गोविंदगढ़, जय हनुमान सेवा सदन चैरिटेबल सोसाइटी रजिस्टर्ड सालासर, SNAS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी गोविंदगढ़। इन सभी संस्थाओं का, इन सभी संस्थाओं के सदस्यों का गोयल परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। सभी से निवेदन है कि चाय प्रसाद एवं भोजन ग्रहण करके जाना। धन्यवाद। शीश पे रघुकुल मु
बोल दो और धक्का मार।